हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ब्लॉगर के अंदर आप कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। मैथमेटिकल इक्वेशन का मतलब होता है कि जैसे कि आप मान लिया रसायन विज्ञान के ऊपर अगर आप ब्लॉग लिखते हैं तो वहाँ पे आपको रासायनिक समीकरण लिखनी पड़ेंगी, जो कि रासायनिक समीकरण एक प्रकार से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या गणितीय समीकरण के तर्क प्रकार की ही होती हैं। ऐसे ही आप अगर भौतिक विज्ञान के ऊपर पोस्ट लिखते हैं तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी गणितीय एक्सप्रेशन लिखने पड़ेंगे। लेकिन ब्लॉगर के अंदर ऐसा कोई पहले से फीचर नहीं होता है कि आप है वहाँ पे गणित के पोस्ट लिख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे ये कार्य किया जाएगा ब्लॉगर के अंदर। और यदि अभी तक आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखा है जहाँ पे मैंने डिटेल से बात किया है कि ब्लॉगर के अंदर टेबल कैसे इंसर्ट किया जाता है, कंटेंट ऑफ टेबल कैसे इंसर्ट किया जाता है, अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है आदि, इन सभी वीडियो की प्लेलिस्ट आपको हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाके उनको देख सकते हैं। तो आज का वीडियो जो है हमारा वीडियो नंबर 12 है, तो इसमें हम देखते हैं कि कैसे कार्य किया जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर चलते हैं, देखते हैं हमें क्या क्या सेटिंग्स क्या क्या करनी पड़ेंगी। उससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कीबोर्ड के विषय में, क्योंकि कीबोर्ड के अंदर जो होता है एक यहाँ पे आप रेड सर्कल जो फर्स्ट देख रहे हैं इसमें इस प्रकार की आपको की कहीं पर दिखाई देगी। इस की में क्या होता है, यहाँ पे जिसके ऊपर रुपए का सिंबल बना होता है, इस की को में एक नीचे की लाइन होती है, एक ऐसे ऊपर डॉलर की तरीके से थोड़ा सा बनी होती है, जिसे हम लोग समरूप नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे सिंपल से आपको क्या करना होता है, इस बटन को एक बार प्रेस करना होता है, फिर इसके अंदर लेटेक्स कोड लिखना होता है। लेटेक्स कोड क्या होता है उसके ऊपर आज हम नहीं बात करेंगे, क्योंकि लेटेक्स कोड में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। तो सिंपल से आज हम यहाँ पे केवल आपको बताएंगे कि लेटेक्स कोड की सहायता से आप कैसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखेंगे। तो अब हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर चलते हैं, वहाँ पर एक कार्य करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक आपको लिंक दे रहे हैं नीचे, वो लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या है इस प्रकार से यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको ये कोड मिलेगा, ये स्क्रिप्ट HTTP करके ये कोड आपको पेस्ट करना होगा हेड के नीचे। तो मैं भी क्या कर देता हूँ, पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ कोड को, फिर अपने वहाँ पर जाते हैं ब्लॉगर पोस्ट में। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने ब्लॉगर में, यहाँ पर जो आपको एक थीम का ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा होगा मैं दिखा देता हूँ हाईलाइट करके, ये जो थीम का ऑप्शन होता है इस थीम के ऑप्शन के ऊपर आपको क्या कर देना होगा, एक बार क्लिक करना होगा इस थीम के ऑप्शन पे, यहाँ पे सॉरी ये जो थीम का ऑप्शन है इसके ऊपर आपको एक बार क्या करना है, सिंपल से क्लिक करना होगा। जैसे ही थीम के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी कभी आप कोडिंग या एडिट HTML पे बात काम करें तो हमेशा आपको क्या कर लेना है, इस थीम पे यहाँ पे क्लिक करके बैकअप पहले ले लेना, अर्थात इसकी एक थीम यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद एडिट HTML के ऊपर जाना है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे बैकअप हमने पहले ले लिया इसलिए एडिट HTML के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही एडिट HTML के ऊपर आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सिंपल से क्या कर देना है, कहीं पर भी माउस से क्लिक कर देना है, उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल F प्रेस कर देना है, इसके बाद फिर यहाँ पे आपको ये वाला हेड जो है यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर वाला भी मैंने दिखाया था, मैं एक बार पुनः दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे ये वाला इसके क्या है नीचे पेस्ट करना है। तो ये वाला यहाँ पे आप जैसे ही लाते हैं एडिट HTML में और यहाँ पे आप क्या करते हैं उसके ऊपर ये क्लिक करते हैं जैसे, तो यहाँ पे बाद में इंटर आपको दबा देना है तो ये मिल जाएगा। इसके क्या है नीचे आपको वो कोड क्या कर देना होगा, पेस्ट करना होगा। तो इसके नीचे आपको इसके ऊपर आपको क्या कर देना है, कोड ये पेस्ट करना होगा, जैसे कि यहाँ पे स्क्रिप्ट HTTP ये सब मिल रहा है, तो इस कोड को यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। कोड को पेस्ट करने के बाद आपको क्या कर देना होगा, सिंपल से सेव कर देना होगा। तो मैंने कोड पेस्ट कर दिया यहाँ पे, आप क्या कर देते हैं यहाँ पे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद आप यहाँ पर हम वापस आ जाते हैं, वापस आने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम न्यू पोस्ट के ऊपर आ जाते हैं, तो एक न्यू पोस्ट क्रिएट करते हैं, देखते हैं कि क्या कोड ये प्रॉपर वर्क करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मैथ इक्वेशन हम क्या करना चाहते हैं डेमो, यहाँ पे तो डेमो लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। अब ध्यान रखना जब भी आपको लिखना है तो अभी जो मैंने कीबोर्ड से बताया था मैं एक बार आपको पुनः दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये हमेशा ये वाली को एक बार पहले प्रेस करना होगा, फिर लेटेस्ट कोड लिखना होगा, फिर उसके बाद प्रेस करना होगा।
और इसके ऊपर मैंने एक यहाँ पे पोस्ट बनाई है जो कि डेटा सेट आपको देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो भी सिंबल जैसे अल्फा लिखना है तो बैक स्लैश अल्फा लिखना है, बीटा के लिए बैक स्लैश बीटा है, अगर किसी की पावर लिखना है तो उसके लिए क्या होता है एक्स की पावर कैप लिखते हैं, फिर अगर दो पावर हैं तो एक्स, इस प्रकार से सब लिखना है। अभी इस पर हम एक ट्रायल करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने और पोस्ट में, पोस्ट के अंदर यहाँ पर आपको सबसे पहले ये इंसर्ट कर देना है, उसके बाद बैक स्लैश दे देना है, बैक स्लैश के बाद आपको जैसे एक्स स्क्वायर लिखना है तो एक्स लिखेंगे यहाँ पे, शिफ्ट के साथ में ये टू कर देंगे, फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं प्लस कर दिया, जैसे आप फाइव एक्स लिखना है तो फाइव एक्स यहाँ पे कर देंगे और प्लस का क्या कर देते हैं सिक्स कर देते हैं, सिक्स इसके बराबर जीरो लगा देते हैं और फिर यहाँ पे एक बार प्रेस वही कर देते हैं। अब हम क्या कर देते हैं यहाँ पे प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे ही प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करते हैं देखते हैं क्या प्रॉपर वर्क कर रहा है हमारा कोड कि नहीं। तो अभी मैंने प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी समीकरण वही एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस के रूप में लिख चुकी है। अच्छा, अब हम एक और एक्सप्रेशन रासायनिक का लिखना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर आ जाते हैं, फिर से एक बार प्रेस करते हैं वही सिंबल जो बटन यहाँ पे है कीबोर्ड से भी मैंने बताया था, उसके बाद आपको क्या लिख देना है एच टू लिखना है, तो बैक स्लैश ले लेते हैं, बैक स्लैश कैपिटल एच और यहाँ पे क्या कर देते हैं नीचे और टू लिख देते हैं एच टू और कैपिटल ओ रहेगा, एच टू ओ कैपिटल ओ, फिर इसके बाद क्या करते हैं प्लस यहाँ पे हम लगा देते हैं प्लस सोडियम तो एन ए, एन ए लगा देते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमें लेना पड़ेगा टू एन ए, ठीक है, या एन ए ही ले लेते हैं बैंक, अभी क्या हम इसको वो नहीं करेंगे संतुलित। इसके बाद हमें यहाँ पे एक एरो की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पे हम आपको डेटा शीट में दिखा देते हैं एरो का सिंबल कैसे बना होता है। यहाँ पे नीचे आ जाते हैं और आ जाएंगे ये देखो, या ये वाला एरो हमें लेना है यहाँ पे, ये एरो, तो यहाँ पे देखो का आर बैक स्लैश टू का ऑप्शन दिया गया है तो हम यहाँ पे जाते हैं और बैक स्लैश टी ओ लिख देते हैं, इसके बाद फिर क्या लिखना है बैक स्लैश फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड तो क्या बनेगा एन ए ओ एच बन जाएगा, फिर यहाँ पे वो कर देते हैं और प्रीव्यू के ऊपर पुनः क्लिक करते हैं। जैसे प्रीव्यू के ऊपर हम क्लिक करते हैं देखते हैं क्या एक्सप्रेशन वो वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे अभी देखो, ये देखो बन गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब वाटर प्लस सोडियम मिलाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो इस प्रकार से आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।